जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज़ के साथ और मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी। जिस तरीके से कोविड की वैक्सीन को लेकर लगातार लोगों के दिल में एक भ्रम रहा है कि क्या वैक्सीन लगाने के बाद हम इस कोरोना से जो है बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे, और अब एक बड़ा आई ओपनर जो है वो सामने आया है। जी हाँ, NHM की एक रिपोर्ट सामने आई है, यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा एक रिपोर्ट दी गई है और इस रिपोर्ट में कुछ चौंकाने वाले खुलासे जो हैं वो किए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोना के जो शिकार 93% लोग थे, उन्होंने यानी कि ये टीका लगवाया ही नहीं था। यानी कि जिन लोग जो अब तक जितने लोग जो कि कोरोना से पीड़ित हुए हैं, कोरोना का शिकार हुए हैं, उसमें से 93% लोग ऐसे थे जिन्होंने ये कोरोना का इंजेक्शन नहीं लगाया था, और 7% ऐसे लोग देखे गए जिन्होंने सिर्फ अभी तक एक पहला डोज ही लिया है, यानी कि पहली डोज के बाद दूसरा डोज जो है वो नहीं लिया। और कहीं ना कहीं NHM की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में कोरोना की दूसरी लहर के शिकार हुए 90% लोगों ने ये टीका उनको नहीं लगा था। यानी कि अब तक जो लोग शिकार हुए हैं इस कोरोना से, उनमें से 90% लोगों ने इसका टीका लगवाया ही नहीं था, और इसमें से दम तोड़ने वाले 7% लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन का सिर्फ पहला ही डोज लिया था। क्योंकि वैक्सीन जो है वो दो डोज उसके लगवाना ज़रूरी है, अनिवार्य है, परंतु कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो एक शंका है वो शुरुआत से ही बनी हुई थी कि क्या वैक्सीन लगाने से हम बच पाएंगे। तो इसी के चलते कई लोगों ने सिर्फ पहला डोज ही लगवाया और दूसरा डोज जो है वो लगवाना उन्होंने सही नहीं समझा, और जिस कारण से जो है ऐसे लोग जिन्होंने दम तोड़ा वो 7% लोग ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ कोरोना का पहला वैक्सीन का डोज ही लिया था। इसके साथ साथ ही हम बता दें कि कहीं ना कहीं कोरोना वैक्सीन की दो डोज के बाद कोई भी मौत का मामला जो है सामने नहीं आया है। अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है, ऐसा कोई व्यक्ति सामने नहीं आया है कि जिसकी मौत जो है कोरोना की दोनों वैक्सीन की डोज लेने के बाद हुई हो। प्रदेश में इस साल 15 अप्रैल से लेकर अगर 12 मई तक बात की जाए तो कोरोना संक्रमण से मृत्यु पर नेशनल हेल्थ मिशन की रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है। रिपोर्ट में यह स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि टीका कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सुरक्षा कवच साबित हो रहा है। उधर पिछले 3 दिनों के आंकड़ों का विश्लेषण में यह भी पाया गया है कि 40% मौतें उन मरीजों की हुई है जो अस्पताल पहुंचने से पहले ही संक्रमण के आखिरी पड़ाव में पहुँच चुके थे। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो एक बड़ी समस्या ये भी बन रही है कि इस बार जो है आइसोलेशन घर पर करने की बात की जा रही है, घर पर ही रहने की जो हिदायत दी जा रही है, जिस कारण से लोग जो है हॉस्पिटल सही समय से नहीं पहुंच पा रहे हैं, और जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वो कोरोना के संक्रमण के आखिरी स्टेज पर होते हैं, जिस कारण से वो बचना उनका जो है मुश्किल हो जाता है। अगर बात करें जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण को लेकर शुक्रवार को पहली बार, यानी कि बीते दिन जो शुक्रवार रहा उस दिन एक राहत भरी खबर सामने आई है। संक्रमित होने वाले मरीजों से कोरोना को मात देने वाले मरीजों की जो संख्या थी वो ज़्यादा सामने आई, क्योंकि अगर बात करें तो लगातार मौतों का आंकड़ा ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, परंतु शुक्रवार को पूरे प्रदेश की अगर बात की जाए, पूरे जम्मू कश्मीर यूटी की बात की जाए, तो 3027 लोग संक्रमित पाए गए, जबकि 3814 लोग जो हैं वो स्वस्थ हुए हैं। हालांकि कोरोना से 60 लोगों की और भी मौत हुई। कहीं ना कहीं ये मौतें अगर बात की जाए तो 39 जो हैं जम्मू संभाग से और 21 जो हैं कश्मीर संभाग से देखने को मिली थी। कहीं ना कहीं अगर लगातार देखा जाए तो मौतों का आंकड़ा तो जो लगातार बन ही रहा है, और साथ ही साथ GMC जम्मू यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू जो है वो हॉटस्पॉट बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर अगर बात करें तो वहाँ पर मौतों का आंकड़ा बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है। कल की अगर ही अगर बात की जाए तो कल शुक्रवार के दिन ही 22 मरीजों की मौत जो है GMC जम्मू में हुई थी, 2 की गांधीनगर अस्पताल में, 3 की GMC कठुआ में, 2 की GMC डोडा में, 2 की SCOM जम्मू में, 1 की जिला अस्पताल सांबा में, 1 की जिला अस्पताल पुंछ में, और 3 की नारायणा अस्पताल कटरा में मौत हुई थी। परंतु जो NHM की रिपोर्ट सामने आई है वो कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए एक बड़ा आई ओपनर है, क्योंकि जिस तरीके से इस रिपोर्ट में साफ कर दिया गया है कि कोरोना वैक्सीन जो है एक रामबन की तरह जो है काम कर रही है, अगर आप अपने आप को इस कोरोना से बचाना चाहते हैं तो कोरोना वैक्सीन को ज़रूर लगाएं, और इसकी दोनों डोज जो है वो लगवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिसे
रिपोर्ट में ये साफ कर दिया गया है कि 90% लोग ऐसे थे जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगवाई ही नहीं और 7% लोग ऐसे जिन्होंने सिर्फ पहली डोज लेकर दूसरी डोज के बारे में सोचा ही नहीं। तो अगर आप कोरोना वैक्सीन लगवाने की सोच रहे हैं तो दोनों ही डोज लगवाएं, क्योंकि इस समय अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में एक बड़ी किल्लत ज़रूर देखने को मिल रही है, क्योंकि वैक्सीन का जो सिलसिला जो कि एक बड़े ज़ोरों शोरों से शुरू हुआ था, वैक्सीन की किल्लत की वजह से जो है अब उस पर कहीं ना कहीं विराम लगा हुआ है। परंतु जैसे ही वैक्सीन शुरू हो जाएगी तो आप लोगों से अनुरोध है कि इस पूरे अभियान में बढ़ चढ़कर जो है सहयोग दें और साथ ही साथ वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि जो नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा एक इस रिपोर्ट ने खुलासा किया है ये साफ कर रही है कि कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद आप कहीं ना कहीं बच सकते हैं, परंतु आपको फिर भी जो कि बाकी चीज़ें हैं जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग है, फेस मास्क है या सैनिटाइज़र का उपयोग है या हाथ धोने की बात है, वो ज़रूर आपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों का पालन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप कोरोना को जो है न्योता ज़रूर दे रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ा आई ओपनर जो है नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से कर दिया गया है, जो लगातार एक सवाल किया जा रहा था कि क्या कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद हम सुरक्षित हैं, सेफ है, तो कहीं ना कहीं ये साफ कर रहा है कि कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद एक आम इंसान जो है वो सुरक्षित हो सकता है, क्योंकि इस रिपोर्ट में साफ किया गया है कि 90% लोग जो कि अब तक कोरोना की चपेट में आए हैं वो ऐसे लोग थे जिन्होंने अभी तक जो है कोरोना वैक्सीन नहीं लगाई थी और 7% लोग जो कि इस कोरोना की चपेट में आए हैं वो ऐसे लोग थे जिन्होंने सिर्फ पहली डोज ली है। तो अगर आप कोरोना वैक्सीन लगाने की सोच रहे हैं तो दोनों डोज लगाइए और साथ ही साथ इस भ्रम को ना फैलाइए, अगर हो सकता है तो कोशिश कीजिए लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने की बात कीजिए और साथ ही साथ जो रामबाण इलाज दिया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क और बाकी ज़रूरी जो चीज़ें हैं जैसे कि सैनिटाइज़र, हाथ धोना, उनका ख्याल ज़रूर रखें, तभी आप अपने और अपने परिवार को जो है इस कोरोना से बचा पाएंगे। तो बने रहेंगे।